आज की हमारी हेल्दी रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी होती अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में रामदाना जिसे भी बोलते हैं इसको हम ले के आए थे इसका पैकेट और हमने इसको अपनी सोचा था रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे लेकिन यहाँ पे पैन में हमने इसे डाला थोड़ा सा और इसको मीडियम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम दाने फूले अच्छे से फूल ही नहीं पाए और बाकी के सारे दाने हल्के बहुत ही ज़्यादा से डार्क ब्राउन हो चुके हैं जो कि नहीं फूले और ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमने लिया है हमारी जो मेन रेसिपी स्टार्ट होती है थ्री फोर्थ कप या फिर एक कप आप ओट्स ले सकते हैं जो कि प्रोसेस नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही महीन बारीक जैसे कि पाउडर जैसा ओट्स मार्केट में आता है वो ना इस्तेमाल करके यहाँ पर स्टील कट ओट्स लेंगे इसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रंग अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़े से नट्स हमें रोस्ट करने हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स सनफ्लावर सीड्स और थोड़े से हमने काजू भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आप चाहें तो बादाम भी इस्तेमाल सक कर सकते हैं या फिर जो भी नट्स आपको पसंद है वो बादाम हमने इसके लिए नहीं इस्तेमाल करे क्योंकि बादाम जब पकाते हैं ना तो उसका छिलका भी रहता है तो इस वजह से हम नहीं इस्तेमाल करें आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है जब तक इनका रंग ना चेंज हो जाए और इसको रख देंगे प्लेट में डाल के ठंडा होने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा रंग आ चुका है हल्का सा गोल्डन ब्राउन अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट फ्लेक्स को भी रोस्ट कर लेना है तो वन फोर्थ कप कोकोनट फ्लेक्स हमने इस्तेमाल करें इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप सीरियल बनाते हैं घर पर और बहुत ही हेल्दी रहता है बच्चों के लिए भी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रंग भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है यहाँ पर हमने इस्तेमाल करें थोड़े से मखाने तो एक कप मखाने का हमने इस्तेमाल करा है इसको भी ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका भी रंग बढ़िया का चेंज हो गया है इसको मैंने प्लेट में निकाले सारे नट्स ओट्स सबको अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे अब हमें क्या करना है इकट्ठा सारी चीज़ें नहीं पीसनी है जार में हमने आधा ओट्स डाला है थोड़े से नट्स आधे लगभग नट्स डाल दिए हैं और इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमें बना के रेडी कर लेना है जितना भी फाइन हो पाए उतना हमें फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है सॉरी पेस्ट नहीं पाउडर बना लेना है खुशबू के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया इलायची पाउडर और जो बच्चे हुए ओट्स थे नट्स कोकोनट्स सारी चीज़ें वापस से जार में डालेंगे और इसका थोड़ा दर दरा सा पाउडर के रेडी कर लेना है पाउडर बनाने के बाद में जो पहले हमने पाउडर पहले थोड़ा सा फाइन पाउडर बनाया इसी में ऐड कर देंगे सारी तो अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होम मेड सीरियल बन के रेडी हो जाता है वैसे तो ओट्स हम लोग बना लेते हैं मॉर्निंग में लेकिन आप और ज़्यादा इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मिक्सर बना के रख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं एक से दो महीने तक खराब बिल्कुल भी नहीं होता है अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ें मॉर्निंग में दें तो इस तरीके से आप इसे पैक करके ले जा सकते हैं और दूध में पका के इसे सर्व कर सकते हैं काफ़ी हेल्दी रहता है बड़ों से लेकर कर बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है इस तरीके से आप इसे स्टोर कीजिए अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमने थोड़े से खजूर ले लिए हैं छुहारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट लेंगे इसको पैन में डालेंगे एक से डेढ़ कप दूध आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा इसमें हमने खजूर डाल दिए हैं तो अलग से इसमें कोई भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे खजूर से अच्छी खासी मिठास आ जाती है पकने के इसमें साथ ही में हम डाल देंगे जो हमने पाउडर बना के रेडी किया पार्ट पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है ज़्यादा पाउडर डालने से ये जो मिक्सचर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा फिर खाने में फिर उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है इस तरीके से आप पका के इसे सर्व कर सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट नहीं बनाना है आप चाहते हैं कि नट थोड़े से सोख हो जाएँ तो इस तरीके से बोल में हमें दूध लेना है इसके अंदर दो से तीन टेबल स्पून हमें मिक्सचर ऐड करना है इसको हमें फ्रिज में रख देना क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर रखे रखे दूध खराब हो जाता है इसको ओवरनाइट सोक करेंगे सोक करने से नट्स अच्छी तरीके से सोक हो जाते हैं और बच्चे इनको ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे फिर जब भी आपको मॉर्निंग में बनाना हो पैन में सारा का सारा मिक्सचर डालेंगे मिठास के लिए फुहरे डाल देंगे या फिर डेट्स डालेंगे और बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद आता है तो आप भी इसमें चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं डार्क चॉकलेट मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं जो कि थोड़ी हेल्दी रहती हैं उसमें शुगर भी कम रहती है तो वो आप थोड़े से चिप्स इसमें ऐड कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे पकाएंगे और जो हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया था हमारा रामदाना वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी तरीके से फूल जाए तो वो जो मिक्सचर बनाया है ना उसमें आप तीन से चार टेबलस्पून मिक्स कर सकते हैं क्योंकि जब इसे दूध में पकाएंगे तो आसानी से पक जाएगा अगर फूला हुआ है तो अगर इसी तरह से आप कभी नहीं फूले रामदाना तो इस्तेमाल मत कीजिएगा तो यहाँ पर काफ़ी हेल्दी सीरियल बन के रेडी हो जाता है आई होप आपको हमारी हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल जिसका नाम है पौष्टिक खाना मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग